हूं आपका होस्ट अब्दुस्तार हाशमी। आज 27 फरवरी है और PSL का नवा मैच जो है वो खेला जाएगा और ये मैच जो है कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। तो नाज़रीन आपको पता ही है कि मुल्तान सुल्तान्स अब तक दो मैच खेल चुकी है और उसका तीसरा मैच जो है वो कल हुआ है लाहौर कलंदर्स के साथ, और इससे पहले जो है वो कराची किंग्स जो हैं वो दो मैच खेली है और उसमें से एक मैच वो जीते हैं और एक मैच हारे हैं। तो हारने वाले मैच पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वो इस्लामाबाद से हारे थे और इस्लामाबाद से उनकी हार बिल्कुल गैर मुतवक्को थी और कोई कह नहीं सकता था कि ये मैच जो है वो कराची किंग्स जो है वो हार जाएगा। उसके हारने की वजह ये है कि बज़ाहिर तो आप ये देखें कि शर्जील खान ने और बाबर आजम ने मिलकर 176 रन की पार्टनरशिप की ओपनिंग पेयर के तौर पर, और यही जो ओपनिंग इनकी पार्टनरशिप लगी है यही इनकी नाकामी की वजह बनी। मैं यहाँ आपको एक मिसाल दूँ कि पहले वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड को हरा दिया था और इस मैच में जेफ बायकॉट का एक कैच क्लाइव लाइट ने छोड़ दिया था जिस पर कमेंटेटर्स ने बड़ी तनकीद की थी, लेकिन बाद में ये साबित हुआ कि क्लाइव लाइट का ये छूटा हुआ कैच जो है वही उनके लिए बायस बरकत बन गया और वो जेफ बायकॉट इतना स्लो खेले 60 ओवर्स के मैच में, इतना स्लो खेले कि उनसे वो मोमेंटम पकड़ा ही ना गया और जिसकी वजह से वो वर्ल्ड कप ही हार गए। इसी तरह अगर यहाँ बाबर आजम का कैच पकड़ा जाता तो मेरा ख्याल है कि इस मैच का नतीजा कुछ और होता। बाबर आजम बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन इन्होंने इस मैच में बिल्कुल स्ट्राइक रेट को रोटेट नहीं किया और उनके साथ शर्जील खान भी शुरू के ओवर्स में बहुत ही सुस्त खेले, बल्कि यहाँ एक मौका तो ऐसे था कि जब उन्होंने 6 ओवर्स में सिर्फ 6 ही रन्स बनाए थे। उनके मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड की विकेटें गिरती रहीं लेकिन वो स्ट्राइक रेट को रोटेट करते रहे और अपनी जो एवरेज है उसको बरकरार रखते रहे और इस तरह से उन्होंने ये मैच जो है वो आसानी से जीत लिया। अब आप ये देखें कि यहाँ पर बाबर आजम जो है ना इस वक्त तक तकरीबन 1602 रन बनाकर टॉप पे हैं PSL के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले, और शर्जील खान ने इस सीज़न के हवाले से दूसरी सेंचुरी स्कोर की है इस, और ये मजमूई तौर पर 9वीं सेंचुरी है। इससे पहले जो है वो इनग्राम ने, डेलपोर्ट ने और क्रिस लेन ने, और इसके अलावा रोसे ने एक एक सेंचुरी बनाई हुई है और कामरान अकमल के हिस्से में 2 सेंचुरियां हैं और शर्जील खान ने ये दूसरी सेंचुरी जो है वो बनाई है। अब हम बात करते हैं कि ये इस टीम को किस बात का धचका लगा था, तो उसमें मेरे ख्याल में अमाद वसीम से कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से वो ये मैच हारे। मसलन एक ये है कि मोहम्मद नबी जो है ना ये बहुत अच्छे बॉलर हैं लेकिन उनका बरवक्त इस्तेमाल नहीं किया अमाद वसीम ने, उनको 15वें ओवर के बाद जाकर बारी दी, उन्होंने बॉलिंग दी और ये वो होता है जहाँ पर बहुत सारी मार पड़ती है, तो इन्हें शुरू के ओवर्स में देना चाहिए था। और वसीम अकरम कहते हैं मैंने इसे मना भी किया था कि यामीन को ओवर नहीं देना और वही हुआ, यामीन को PSL का सबसे महंगा ओवर जो है वो पड़ गया, 29 रन्स पड़े उनको, तो यही एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पर ये टीम जो है वो अपना मैच हार गई। अमाद वसीम को एक ऑलराउंडर की ज़रूरत है और उसकी टीम में ऑलराउंडर की कमी जो है वो महसूस की जाती है। इनके मुकाबले में अगर आप मुल्तान सुल्तान्स की बात करती हैं तो आप ये देखें कि उनके कप्तान जो रिजवान हैं उन्होंने जो मोमेंटम पकड़ा हुआ है वो बिल्कुल उन्होंने कैरी किया हुआ है, 112 रन के साथ इस सीज़न के वो टॉप स्कोरर हैं और उनके साथ जेम्स वीनस ने 100 रन बनाए हैं, वो भी अच्छी फॉर्म में हैं। तो बल्लेबाजी के हवाले से देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान अच्छे रन्स कर लेती है लेकिन उनकी प्रॉब्लम जो है वो उनकी बॉलिंग साइड है जो बहुत कमज़ोर है और उसी कमज़ोरी का नुकसान उठा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये देखें ना कि उनका जो बॉलर शाहनवाज धानी आए हैं, लाड़काना से उनका तल्लक है और वो बताते हैं कि जब मैं ट्रायल देने आया था तो मेरे पास बूट और जराबे भी नहीं थी और मैंने वो जॉगर्स जो हम अपने किसी दोस्त से उधार लेकर दिए थे, उस लड़के में करंट नज़र आ रहा है और उसका पोटेंशियल सामने आ रहा है और बड़ी शानदार उन्होंने बॉलिंग की और कल भी उन्होंने लाहौर कलंदर्स को इब्तदाई ओवर्स में ही उनके इब्तदाई बल्लेबाज को आउट करके उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। तो जहाँ तक आप इन दोनों टीमों की एनालिसिस के बाद अगर आप बात करते हैं कि किसके चांसेस हैं, तो मैं अपनी जो राय देता हूं वो ये है कि मुल्तान सुल्तान के चांसेस ज़्यादा हैं और कराची के मुकाबले में जैसा कराची ने इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ अपनी आखिरी ओवर्स में बुरी परफॉर्मेंस दी थी, तो यहाँ भी जो उनकी बारी है, उनकी बॉलिंग की जो साइड है वो दूसरी दफ़ा है,
तो वो वहाँ पर ड्यू फैक्टर आ जाता है जिसकी वजह से बॉलर्स उतने जो हैं वो इफेक्टिव नहीं रहते। तो मेरे ख्याल में यहाँ चांसेस जो है मुल्तान सुल्तान का हो सकता है। ये PSL का सीज़न जा रहा है और इस वक्त आपको पता है कि नौवां मैच जो है वो खेला जाएगा कराची किंग्स और इस्लाम मुल्तान सुल्तान के दरमियान। तो मुझे ये बताइएगा आपके कराची किंग्स के अमाद वसीम ये मैच जीत सकेंगे या मुल्तान सुल्तान के रिजवान जो हैं वो इस पोजीशन में हैं कि मैच जीत जाएँ? सर ज़्यादा चांसेस तो कराची किंग के हैं, लेकिन मुल्तान सुल्तान भी अच्छी टीम है, एफर्ट करेंगे इंशाल्लाह वो भी जीत सकते हैं। ज़्यादा चांस कराची किंग के। कराची की किस वजह से चांस कह रहे हैं? सर उनके बैटिंग लाइन अप अच्छी है। PSL का बुखार इस वक्त पूरे ज़ोरों पर है और आज नौवां मैच है कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेला जा रहा है, तो आपकी राय में दोनों टीमों में कौन सी टीम जो है वो इस हैसियत में है कि वो जीत सके? कराची किंग्स। अच्छा, आप कराची किंग्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो क्या वजह है कराची किंग्स कैसे जीत सके? फेवरेट प्लेयर्स के बाबर आजम जो उसके खेल रहा है इस टाइम, जो उसकी फिटनेस है, जो उसकी गेम जा रही है, वो सारी मेन वजह।